अयोध्या भूमि विवाद को लेकर आज 24वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई काफ़ी अहम रही, लेकिन इसमें एक मुख्य पहलू निकल कर सामने ये आया कि जस्टिस MF खलीफुल्ला के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि यहाँ पर मध्यस्थता की बात की है निर्वाणी अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। क्या है जानते हैं, ये जो पत्र दिया गया जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही है, क्या सच्चाई है, क्या मध्यस्थता एक बार फिर हो सकती है जब ऑलरेडी सुनवाई चल रही है इस मामले में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पहली बात इस पत्र की कोई ऑथेंटिसिटी है और इसका हमें कोई लीगल संज्ञान लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि इसकी कोई कॉपी किसी भी पार्टीज को नहीं दी गई है जो इस केस में पार्टी हैं। निर्वाणी अखाड़ा स्टैंड दे रहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड स्टैंड ले रहा है कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लैरिटी आ जाए कि ये ऑफिशियल स्टैंड किसका है, किसने एप्लीकेशन मूव की है। तो अभी तक ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने उभर के आ रहा है, कोर्ट में ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं हुई है, ये बात क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा जिससे उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन प्रेस की हो जो ये साबित करता है कि ये एप्लीकेशन उन्होंने मूव नहीं की है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है कि इस मामले में मीडिएशन हो ही नहीं सकता है जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ऑर्डर 23 इसका कोई परमिसिबिलिटी नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी इसकी कोई परमिसिबिलिटी नहीं देता है, जहाँ पे कोर्ट की हियरिंग्स और मीडिएशन साथ साथ चलता रहे, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप एक तरफ ज़मीन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, टाइटल सूट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करें, तो दोनों चीज़ें कभी साथ साथ चल नहीं सकती हैं और ऐसा कभी इतिहास में हुआ भी नहीं। यानी कि ये क्लियर है कि मीडिएशन इस अभी इस स्थिति में जो कोर्ट में भी फिलहाल सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में कभी मीडिएशन हो ही नहीं सकता। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उस स्थिति में मीडिएशन कभी नहीं होता है। मीडिएशन हमेशा या तो हियरिंग के बाद होता है या तो हियरिंग के पहले होता है, जजमेंट से पहले होता है, पर मीडिएशन कभी ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि जहाँ पे सुनवाई हो रही है उसके बीच में मीडिएशन के लिए पार्टीज को रेफर किया जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हैं हिंदू महासभा की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर मध्यस्थता को लेकर एक लेटर लिखा गया है जस्टिस MF खलीफुल्ला की तरफ से। हालांकि ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक पता नहीं चली, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इस मामले में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है तो मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रशेखर के साथ।